बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल से बाहर तो आ चुके हैं, हालांकि अभी भी आर्यन खान पर खतरे का साया मंडरा रहा है। बीते दिन ही आर्यन खान एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। इसी बीच आर्यन खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा मिल रही जानकारी की माने तो आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है। ई टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आर्यन खान समेत 5 लोगों के केस को अब एनसीबी की केंद्रीय टीम को सौंप दिया गया है। इस मामले में आर्यन खान नवाब मलिक के दामाद समीर खान के अलावा इकबाल कास्कर अरबान कोहली कश्मीर ड्रग्स केस में शामिल हैं। हालांकि समीर वानखेड़े अभी भी अपने पद पर बने रहेंगे। वानखेड़े मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के पद को ही संभालेंगे। इस मामले में समीर वानखेड़े मुंबई में रहकर दिल्ली मुख्यालय को रिपोर्ट करेंगे। किसी भी आगामी केस पर काम करने के लिए समीर वानखेड़े को पहले दिल्ली मुख्यालय से इजाजत लेनी पड़ेगी। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशंस संजय सिंह ने इस बारे में बड़ा बयान दिया है। संजय सिंह ने मीडिया को बताया, एनसीबी के किसी भी अफसर को उसके पद से नहीं हटाया जा रहा है। स्पेसिफिक ऑर्डर आने तक एनसीबी इसी तरह काम करती रहेगी। समीर वानखेड़े आगे भी एनसीबी के इसी पद पर काम करेंगे। अब से समीर वानखेड़े एसआईटी की टीम को अरेस्ट करने वाले हैं। समीर वानखेड़े और एसआईटी की टीम मिलकर ड्रग्स केस पर काम करेंगे ताकि जांच का काम अच्छे से हो सके। एनसीबी में हुए इस फेरबदल को लेकर समीर वानखेड़े ने भी चुप्पी तोड़ दी है। एनडीटीवी से बात करते हुए समीर वानखेड़े ने कहा, मैंने खुद हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। मैंने कोर्ट से मांग की थी कि इस केसों की जांच सीबीआई या एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी से करवानी जानी चाहिए। इस पिटीशन के आधार पर दिल्ली के बड़े सीनियर अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई है। समीर वानखेड़े को केस से हटाए जाने के बाद एनसीबी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने बड़ा बयान दिया है। नवाब मलिक ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो सिस्टम को साफ करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। इस समय 26 मामलों में जांच की जरूरत है, ये हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और भी ट्रेंडी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।